देखा भाई साहब कैसे बकबक करके चला गया। ऐसा पेश आता है जैसे बड़ा गब्बर है पर अंदर से सुअर है। अब तक सबने इस घर को मुर्गियों का घर कहा, अब सब इसे पागलों का घर कहेंगे। भैया इस बनर्जी परिवार का नाम सुनकर चार रिश्ते कैंसिल हो गए हैं। आखिर बात क्या बताइए जरा, हाँ क्या हो क्या रहा है? जो है और जो है सुन। अरे बताऊंगा बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए, बच्चों की तरह पेश मत आइए। अरे क्या बच्चों की तरह पेश आ रहे, वो मोहल्ले के लोग सब गलत बोल रहे हैं। हाँ साले सब झूठे हैं, देखा इन सब बातों के चक्कर में असली बात करना मैं भूल ही गया। अरे ओ फादर ऑफ माय नेशन, आई वांट मनी फॉर माय धंधा। बोलो हाँ? इसको कह दे इसकी दादी ने इसके लिए ही मरने से पहले इसके नाम 1.5 लाख रुपए फिक्स किए हैं। दुकान खोले, वो छत पे जाके स्पेस स्टेशन खोल ले, जो करना है उसी 1.5 लाख में करना है। आप लोग भी ना, सच में ये रुपया पैसा दौलत जायदाद ये सब छोटी चीजें हैं, छोटी, इन सब के बारे में सोचना बंद कीजिए। अपने आप को मिडिल क्लास लेवल से थोड़ा ऊपर उठाइए, ऊपर उठाइए। सुनिए ज्यादा वक्त बचा नहीं है, क्लास में एडमिशन लेना होगा। क्लास? कौन सा क्लास? अरे टीवी चैनल में इंटरव्यू कैसे देते हैं उसकी क्लास सीखना होगा आप सबको, आप सबको सीखना होगा। देसी विदेशी हर तरफ से लोग आएंगे, उनसे कैसे बात करनी चाहिए ये सब सीखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे इस घर में कौवे कबूतर तोते कम बैठेंगे पर रिपोर्टर्स ज्यादा घूमेंगे, समझे? यू नो CNN, IBN, BBC एंड अल जजीरा। जलजीरा? अरे भाग, थोड़ा बड़ा सोचो चाचा। अरे दीदी ओझा बुलाकर जॉय को झाड़ने का कोई बंदोबस्त करें क्या? क्या आप लोग ना खुद को जरा अपडेट कर लो, अपडेट कर लो। मैं जो करने जा रहा हूँ ना, इस मोहल्ले में नहीं, इस चौराहे में नहीं, इस देश में नहीं, पूरे कॉन्टिनेंट में पहला है। Somebody kill me, kill me, kill me। हट जाओ मेरे रास्ते से। लीजिए खा लीजिए। गांजा वाजा मारने लगा है क्या आजकल? पता नहीं, सुनिए ना, साधु बनने की तो नहीं सोच रहा है ना? जय मां जय मां।